गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर नंबर 1. ओके, टुडे वी हैव लर्न अबाउट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. आज हम लोग पार्ट्स ऑफ द प्लांट के बारे में पढ़ेंगे. ओके, देयर इज अ डायग्राम अ प्लांट. देखिए, इसमें डायग्राम में आपको पार्ट्स दिए हुए हैं. सबसे नीचे आपकी रूट दी हुई है. सबसे नीचे जो आपका डायग्राम बना है वो है आपका रूट का, जो कि जमीन के नीचे रहती है. उसके ऊपर, जमीन के ऊपर क्या होता है, आपका प्लांट का स्टेम होता है. ठीक है, और स्टेम पे ही आपकी ब्रांचेस होती हैं, और ब्रांचेस में आपकी क्या लगी होती है, लीव्स लगी होती हैं, फ्लावर्स लगे होते हैं, और आपके फ्रूट्स लगे होते हैं. तो इस तरह से ये प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट होता है रूट, सेकेंड होता है स्टेम, थर्ड होता है लीव, एंड फोर्थ होता है फ्रूट, एंड लास्ट नंबर फ्लावर्स. ओके, तो इस तरह से इसके ये पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स कहलाते हैं. नाउ अ प्लांट हैज़ मैनी पार्ट्स. प्लांट के पास क्या होता है, बहुत से पार्ट्स होते हैं. ईच पार्ट हेल्प द प्लांट इन अ डिफरेंट वे. हर एक पार्ट क्या करता है, इसको डिफरेंट तरह से हेल्प करता है, अलग अलग तरह से हेल्प करता है. फर्स्ट इज़ रूट. फर्स्ट पार्ट हमारा क्या होता है, रूट. द रूट फिक्सेस द प्लांट टू द ग्राउंड. रूट क्या होती है, ग्राउंड में फिक्स रहती है. ओके, जमीन के नीचे रहती है. इट गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट. ये क्या करती है, हमारे प्लांट को सपोर्ट करती है. इट टेक्स इन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ग्राउंड एंड सेंड इट टू ऑल द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. ये क्या करती है कि सॉइल से ही वाटर और न्यूट्रिएंट्स लेती है, ग्राउंड से मतलब ज़मीन से, और सीड्स इट और इसके सारे पार्ट्स पर पहुंचाती है. मतलब सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स लेकर प्लांट्स के हर पार्ट में ये पहुंचाती है, जैसे कि फ्लावर्स में पहुंचाती है, फ्रूट्स में पहुंचाती है, लीव्स में पहुंचाती है, स्टेम में पहुंचाती है. इस तरह से न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो होते हैं वो हर एक पार्ट में पहुँच जाते हैं. सेकेंड इज स्टेम. द स्टेम कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट्स एंड सेंड देम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. इट बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. जो स्टेम होती है वो क्या करती है, वो कैरीज वाटर को कैरीज करती है, न्यूट्रिएंट्स को लेती है रूट से, और प्लांट्स के सारे पार्ट में पहुँचाती है. मतलब रूट से आप पहले ऊपर गया स्टेम तक, फिर स्टेम पहुँचाती है ऊपर तक, है ना. रूट के ऊपर हमारा क्या होता है, स्टेम होता है. तो रूट से हमारा वाटर और न्यूट्रिएंट स्टेम तक गया, और रूट्स ने क्या किया कि और ब्रांचेस तक पहुंचा दिया, मतलब लीव्स तक पहुंचा दिया, बर्ड्स तक पहुंचा दिया, फ्लावर्स तक पहुंचाया, और फ्रूट्स तक पहुंचा दिया. ओके, इस तरह से वाटर और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वो हमारे सारे पार्ट्स में पहुँच जाते हैं. ओके, फोर्थ इज लीफ. लीफ क्या होती है, देखिए, द लीफ इज़ कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट. लीव को हम लोग प्लांट्स का किचन कहते हैं. मतलब जो प्लांट्स का जो खाना बनता है वो लीफ ही बनाती है, लीफ के द्वारा ही हमारा इनका खाना बनता है. इसलिए लीव को हम लोग प्लांट का किचन कहते हैं, किचन ऑफ द प्लांट. डू यू नो वाई, क्योंकि बिकॉज इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट. क्योंकि ये क्या करती है, लीव सनलाइट की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, एयर की हेल्प से, ठीक है, इस इन सब की हेल्प से ये क्या करती है, प्लांट्स के लिए खाना बनाती है. प्लांट्स का जो खाना होता है वो यही बनता है. ठीक है, इस तरह से हम लोग प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं. फ्लावर्स क्या होते हैं, फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम बर्ड्स. फ्लावर्स में बर्ड्स निकलते हैं, छोटी छोटी कलियाँ निकलती हैं. दे प्रोड्यूस फ्रूट्स, इनसे फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं. ओके, फ्रूट्स निकलते हैं. और लास्ट ऑफ द नंबर इज फ्रूट. फ्रूट क्या है, इट इज़ फ्लैशी एंड जूसी पार्ट ऑफ द प्लांट. ये क्या होता है, प्लांट का फ्लैशी और जूसी प्लांट होता है, मतलब जिससे हम लोग फल को खाते हैं, है ना. तो फल हमारा कैसा होता है, जूसी टाइप का होता है ना, जिसमें जूस टाइप का होता है, फ्लैश टाइप के होते हैं. फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड इट. और इन्हीं फ्रूट्स में क्या होते हैं, अंदर की तरफ सीड्स भी होते हैं, जिससे कि नया पौधा उगता है. सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स.
सीड से क्या होता है, न्यू प्लांट्स निकलते हैं. ओके, तो सीड से हमारे न्यू, इसी का न्यू प्लांट निकल आता है. ओके, इट हैज़ फिनिश्ड एंड नेक्स्ट पीरियड आई विल कंटिन्यू टू इट. ओके.